लाइफ जर्नी बहुत ही अलग रही। मैं मारवाड़ी परिवार से बिलोंग करता हूँ, वेयर बिजनेस इज ब्लड। सो ये जर्नी एक्चुअली एक बुक सेलिंग से लेके बुक मेकिंग तक की है। वी हैड एन इंसॉल्वेंसी, और ये बहुत से लोग जानते हैं, इनफैक्ट जो स्टूडेंट मेरा रहा है वो जानता ही है। वी हैड एन इंसॉल्वेंसी जिसके कारण घर बार सब कुछ बेचना पड़ा था, एंड भंडारा इज अ प्लेस नियर नागपुर। तो वहां पे हनुमान मंदिर के नीचे आई यूज टू सेल द बुक्स, गीता प्रेस गोरखपुर की जो बुक्स आती है, तो मैं वो बेचा करता था। मैं उसके अंदर में एंगेज था, एंड मेरे जो बड़े भैया थे उनका किराना का काम था, किराना के शॉप में थे वो, और मैं जो था ये किताबें सेल करने के इसमें था। सो दिन भर यार भगवान की किताबें लेता कौन है, तो वहां पे कई सारी बुक्स पड़ी रहती थी जिनमें मोटिवेशन वाली भी बुक्स होती थी। ये रजनीकांत सर ने ये किया, अमिताभ बच्चन सर ने ये किया, शाहरुख खान सर ने ये किया, मोटिवेशन वाली बुक्स भी होती थी उसके अंदर में। तो दिन भर बैठे बैठे सिर्फ ये पढ़ाई वाला, मतलब यू नो, पढ़ते रहना, और वहां से एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया। देन मेरे मासा जी थे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जो आज भी है, राइट, और वो सीए थे, और हमने उनको देखा था कि यार उन्होंने जीरो से लेकर के एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है हैदराबाद में। यार ऐसा लगा कि यार अपन ने भी कुछ करना है, क्योंकि मेरे जो दो बड़े भाई थे बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी वो नहीं पढ़ पाए थे। तो मैंने कहा यार किसी को तो एक जिम्मेदारी घर पे उठानी पड़ती है कभी ना कभी। यू नो, मैच्योरिटी आप किसी दुकान से नहीं खरीदते हो, आपको घर की हालात और सिचुएशन देख करके समझ में आ जाता है कि नहीं यार मुझे ये चीज करनी है। सो एट दैट पॉइंट इन टाइम मैंने थोड़ा सा घर पे पहली बार पापा को बोला कि मेरे को पढ़ना है। उस टाइम मेरे को मार पड़ी बिकॉज घर के हालात वैसे नहीं थे। अगर आप सुबह कमा रहे हो तो यू कैन सर्वाइव वाला सिचुएशन था। जब मैंने पापा को बोला पहली बार में बहुत मार पड़ी, दूसरी बार मुझे मेरे घर से भागना पड़ा, एंड मतलब एक्चुअली मैं झगड़ा करके भागा। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, इट वॉज 23rd of मार्च, मैं भंडारा से निकला और मैं जलगांव चला गया पढ़ने के लिए, एंड देन इस चीज को कंप्लीट करा। वैसे मुझे बताते हुए बहुत प्राउड महसूस होता है। मैं 10th में 48% वाला स्टूडेंट हूँ, जो ग्रेस मार्क के साथ 56% पे आया था, लेकिन एक जिद थी पढ़ना है मुझे, क्योंकि हर जगह से वो ताने मिले थे कि 48% पे तुम सीए क्या बनोगे, 48% पे तुम सीए क्या बनोगे, क्या ही कर लोगे तुम, वाले जो ऑलमोस्ट सबको मिलते हैं, मुझे भी ऐसे मिले थे। ये था कि जाहिर सी बात है पापा को भी किस बारे में बोलता, मैं क्या बोलता पापा को भी। सो 12th में बहुत तगड़ी मेहनत करी कि यार एटलीस्ट पापा कुछ पढ़ने दे देंगे, एंड देन आई स्कोर्ड 82% इन 12th। तो बहुत से लोगों के मुंह बंद हो गए, और फिर जो एक जज्बा था कि नहीं यार मुझे मेरी फैमिली को उठाना है, स्टैंडर्ड बस वहां से फिर ज्वाइनिंग किया, और दैट्स हाउ थिंग्स गोज ऑन।